अब मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो ए है और बी है, ठीक है, हमारी जो पर्सनल नीड्स है ना, हमारी पर्सनल नीड्स वो बी पूरी करता है, बी इनडायरेक्टली कहूँगा, सब कुछ समझ जाना, मेरी कुछ पर्सनल नीड्स है जो मैं लोगों के साथ शेयर नहीं करता ओपनली, वो नीड्स मुझे पता है कि यहाँ से पूरी होगी और मैं इसके पीछे भागने लगता हूँ, भागता हूँ, बी के पीछे भागे जा रहा हूँ सुबह शाम दिन रात, फ़ोन पे लगे पड़ा हूँ, ये वो 50 तरह के ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करना छोड़ नहीं रहा हूँ, मेरा डेडिकेशन है क्योंकि मुझे बी चाहिए, बी। कुछ एक दो मिनट रुको, इस डिस्कशन के दौरान आपको सब समझ में आएगा कि ए क्या है, बी क्या है, और हम भागते रहते हैं इसके पीछे कि यार बस ये मिल जाए, मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में जो मोटिवेशन है वो आ जाएगा, भागते रहते हैं, पर ये कुछ भाव नहीं मिलता है इसको बी से, क्योंकि बी की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास ए है तो बी आसानी से आ जाएगा, बट ए जो है ना, ए को हासिल करना, अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है और इसमें बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, जब तक आप ये हासिल करोगे तब तक आपको बी को चेज करना, कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि नहीं मुझे इसके पीछे फिलहाल तो इसको देखना भी नहीं है कि मुझे चाहिए वगैरह वगैरह। समझ पाओगे धीरे धीरे सारी चीजें मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपके पास ए है तो बी आपको आसानी से मिल जाता है, जितने भी समझदार लोग इस बात को समझ जाओगे, मैं अगर डायरेक्ट शब्दों में कहूंगा तो फिर डिफिकल्ट है क्योंकि कुछ लोग शायद माइंड कर लेते हैं ये वगैरह वगैरह। इसीलिए सारा का सारा डिस्कशन ही ये है कि आप इसके पीछे भाग रहे हो, एक साल तक आप चेज करते हो, कुछ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो चला जाता है, फिर आपको हो जाते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज, 50 तरह के ये एंग्जाइटी हो रही है, ये हो रहा है वगैरह वगैरह, वो हो रहा है वगैरह वगैरह। अब इसका ध्यान यहाँ पर से हटके इसको सॉल्व करने में लग जाता है, इसीलिए ए को तो ध्यान दे ही नहीं पाता है, उसको पता है कि मुझे इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ को चलाने के लिए ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बी है जिसके पीछे आप सुबह शाम हाथ धो के पड़े हो। क्या है आपकी पर्सनल नीड्स भैया जो आप शेयर करना पसंद नहीं करते लोगों के साथ? सोशल मीडिया पे, डेटिंग ऐप्स पे क्या ढूंढने जाते हो? वो है बी। जो आप ढूंढ रहे हो सुबह शाम वो है बी, उसके पीछे पड़े हुए हैं। जब तक ए नहीं है, बी कुछ नहीं होगा आपका, कवले बैठे रहोगे, कवले फीके फीके पड़े रहोगे, सारा का सारा खेल ही ये है। बट एक्चुअली ये चीज़ है, इसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है, अगर आपके पास ए नहीं है तो क्या कह सकते हैं बताओ। अब इस वीडियो का मोटिव क्या है कि ये समझाना, अगर आपको बी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं मेंटली इमोशनली, तो इनको अपने ए पे हावी होने मत दो, क्योंकि ए जो है आपकी बैकबोन है मेरे दोस्त, ये बैकबोन आपकी बनी रहेगी तो बी आते रहेंगे जाते रहेंगे 50 आ जाएंगे आपके पास, पर आपकी जो बैकबोन है ना वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। आपकी बैकबोन ढीली है तो बी कोई भाव नहीं देगा आपको, सारा का सारा खेल समझने जैसा है। बट ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, एक जेंडर के लिए बात कर रहा हूँ, दोनों पर इन मोस्ट केसेस अप्लाई नहीं होगी, मजॉरिटी ऑफ केसेस में अप्लाई नहीं होगी ये चीज, सिर्फ एक स्पेसिफिक जेंडर ग्रुप की बात है ये, खासतौर पर हमारे भारत में। बाहर का सीन अलग है, टोटली अलग है, भारत में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है भाई, सॉल्व नहीं हो सकता ये चीज अनलेस आपके पास ए काफी स्ट्रांग हो, ए जिस ए की मैंने बात की ये काफी स्ट्रांग हो आपके पास, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप सोचोगे भी नहीं अरे हटा यार, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होंगे काफी सारे। अभी भी कहूंगा ये स्पेसिफिक एक जेंडर की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है, समझ जाओ तो आप समझदार हो, अभी तक नहीं समझ पाए तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे, हर चीज स्पून फीड तो नहीं कर सकते ना हम। देखते हैं आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जस्ट रिमेंबर कीप शाइनिंग।